हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बैरोमीटर के बारे में कि बैरोमीटर होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोगों को साइंस के छोटे छोटे क्लासेस दूंगा और हर एक क्लास आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर एक क्लास आपकी जो 5 से 10 मिनट की होगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हर एक वीडियो में साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से रिलेटेड ही टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कि जैसे बैरोमीटर से पूछ लेता है कि बैरोमीटर किसके काम में आता है, किस काम में आता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों से बैरोमीटर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी उठा के पूछता है, मेरा ये कोशिश है ये सीरीज बनाने का साइंस का। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का भी सीरीज लेके आऊँगा, उसके बाद जीके का सीरीज लेके आऊँगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं कि एक एक टॉपिक छोटी छोटी टॉपिक हो, 5 से 10 मिनट की वीडियो हो और इतने डिटेल में आप लोगों को वो नॉलेज दे दिया जाए कि आप लोगों को उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आसानी से कर सकें। इसी सीरीज में एक वीडियो में बना चुका हूँ पीएच स्केल के बारे में, आप लोगों को बता चुका हूँ, उसको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसी ही साइंस की छोटी छोटी वीडियोज़ देखने के लिए, ट्रिकी वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, ये दोनों बैरोमीटर हैं, ये भी बैरोमीटर है, ये भी बैरोमीटर है। अब यहाँ पे 2-3-4 प्रकार के कम से कम बैरोमीटर आप लोगों को देखने को इन जनरल मिलते हैं। ये आपका पारे वाला है, मरकरी वाला है, और ये आपका जो आपका नया बैरोमीटर आया हुआ है बाद में, जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया, सबसे पहले इस बैरोमीटर की डेवलपमेंट की गई थी। तो यहाँ आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सारी डिटेल बैरोमीटर के बारे में। तो बैरोमीटर सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा, यहाँ नीचे इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा खाली स्पेस चाहिए होगा। अब वायुमंडल आप सभी को पता है पृथ्वी है आपका, इसके चारों तरफ पृथ्वी जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ है वो वायुमंडल है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या हर जगह पर समतल तो है नहीं, आप कहेंगे पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है मानते हैं, लेकिन कहीं देखेंगे पृथ्वी पे पहाड़ देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं नदी समुद्र का देखने को मिलेगा, समुद्र के नीचे आपकी ज़मीन जो होती है इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वायुमंडल आपका है इसके चारों तरफ ऐसे। आप बताइए कि यहाँ पर जो वायुमंडल का दाब होगा वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना एरिया वायु का इतना एरिया है और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर इतना एरिया है, तो जहाँ पे ज़्यादा वायु का एरिया होगा ऊपर से प्रेशर जितने ज़्यादा वायु डाल रही होगी उतना ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होगा। यहाँ पे पहाड़ पे इतना ही एरिया में वहाँ पे वायु डाल रही है दबाव, तो यहाँ पे कम होगा। यानी इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि वायुमंडलीय दाब जहाँ पे पहाड़ों पे जाने पर ऊँचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता जाएगा। अब इसी को हम एग्जांपल के रूप में समझ लिए हैं, अब इसको पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हम सब समझ चुके हैं कि बैरोमीटर का एक उपकरण है जिसका उपयोग हम वायुमंडलीय दाब दबाव को मापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब दबाव वह भार होता है जो वायुमंडल पृथ्वी पर की सतह पर डालता है, किसी स्थान पर डालता है। जैसा कि हम जानते हैं हवा बहुत हल्की है, सभी लोग कहते हैं हवा हल्की है, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका दबाव पड़े तो वो महसूस ना हो, ठीक है। हवा में कई प्रकार के कण होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वाष्प कण होते हैं, पानी होता है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जब उसका प्रभाव पड़ेगा काफ़ी बड़े एरिया में तो दबाव तो पड़ेगा ही। इस मिश्रण का भार पृथ्वी पर पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर, यही देखिए अभी मैंने बताया आप लोगों को, यही लिखा गया है, समुद्र तल पर भूमि पर नीचे दबने वाली वायु की परत सबसे मोटी होती है। अभी आपको मैंने बताया वायु की जो परत है वो सबसे मोटी है समुद्र तल पे, और पहाड़ों पे छोटी छोटी होती है, परत कम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर जाएंगे हवा की परत उतनी मोटाई उतनी ही कम होती जाएगी और दबाव कम होता जाएगा, यानी अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर अगर आगे डिस्कस किया जाए तो बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर इस
पेज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बैरोमीटर को यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दबाव को पास्कल से मापा जाता है, जिसको हम पीए कहते हैं, पास्कल याद रखिएगा, दबाव को पास्कल से मापा जाता है, और वायुमंडलीय दबाव से मौसम की भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। अब जहाँ पे उच्च दाब होगा वहाँ से क्या होगा, वहाँ से पवने निम्न दाब की तरफ बढ़ेंगी, तो वहाँ पर पानी बरसने की यहाँ पर ज़्यादा संभावना होगी, जिससे हम क्या कहते हैं, मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग सभी प्रकार की गैसों के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि तो बैरोमीटर की खोज हुई थी 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। 1643 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी टोरी सेली नामक एक भौतिक और गणितज्ञ थे, भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ वैज्ञानिक थे ये आपका। इन्होंने टोरी सेली ने प्रथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी, या कह सकते हैं आविष्कार किया था। खोजा क्या था, आविष्कार किया था। इसे टोरी सेली ट्यूब के नाम से उस समय जाना जाता था, उसे पहले बैरोमीटर के नाम से नहीं जाना जाता था। जब इन्होंने खोज की थी टोरी सेली ने, तो टोरी सेली ट्यूब के नाम से जाना जाता था इसको। 1643 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था इन्होंने। इसका आविष्कार कैसे किया था, जो स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को इमेज दिखाई थी मरकरी वाला, वही टोरी सेली जी ने बनाया था। उन्होंने इसका निर्माण पारे के उपयोग यानी मरकरी के उपयोग से बनाया था, और इसके नीचे की ओर खुली और ऊपर की ओर बंद एक उल्टे बेलनाकार ट्यूब शामिल थे। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था, फिर से आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ खुली हुई, और देखिए नीचे की तरफ खुली हुई और यहाँ पे खुली हुई है, और ऊपर की तरफ ये बंद है, बेलनाकार ट्यूब लगाई गई है, और नीचे यहाँ पे इसमें पारा भरा गया है, मरकरी देखिए लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे कि टोरी सेली जी ने किस प्रकार का आविष्कार यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे थे हम लोग, अब बैरोमीटर इसका नाम कैसे पड़ा, तो बैरोमीटर नाम पड़ा इसके बाद देखिएगा, उन्होंने इसका निर्माण पारे के उपयोग में बनाया था। अब यहाँ पे है टोरी सेली का अगर बात की जाए, तो जन्म हुआ था इनका 15 अक्टूबर 1608 में इस इटली में, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 अक्टूबर 1647 में। काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया था। जब बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था तब यह टोरी सेली ट्यूब के नाम से जाना जाता, अभी मैंने बताया आप लोगों को। इसके बाद 1676 ईस्वी में एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे, 1676 ईस्वी में एडमे मारियोट, इन्होंने इसको बैरोमीटर नाम दिया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसने बैरोमीटर को, टोरी सेली ट्यूब को बैरोमीटर नाम दिया, तो फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे 1676 ईस्वी में एडमे मारियोट, इन्होंने इसको बैरोमीटर नाम दिया था। अब आगे बात करें तो बैरोमीटर का मात्रक अभी आपको मैंने बताया है, उसी से रिलेटेड है। वर्तमान समय में हम जिनके साथ बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापते हैं वह मात्रक हेप्टो पास्कल। पास्कल तो आपने देख लिया था कि हम यहाँ पे पास्कल का यूज करते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, लेकिन अभी जो मात्रक चल रहा है वो चल रहा है हेक्टो पास्कल HPa, और ये 100 गुना होता है पास्कल से। अगर एक पास्कल की बात की जाए एक हेक्टो पास्कल की, तो 100 पास्कल के वो बराबर होता है। एक पास्कल क्या होता है, एक वर्ग मीटर सतह पर एक न्यूटन बल जो लगता है उसके बराबर होता है। जैसे एक वर्ग मीटर जगह है उसके ऊपर एक न्यूटन बल लग रहा है, वो एक पास्कल के बराबर होता है, और जो हमारा एक हेक्टो पास्कल होता है वो 100 पास्कल के बराबर होता है। बैरोमीटर के प्रकार की बात की जाए, तो बैरोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बैरोमीटर के निम्न प्रकार हैं, जैसे पहला आपको मैंने बताया पारा बैरोमीटर, जिसको मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर का सबसे पुराना प्रकार पारा बैरोमीटर है। इस बैरोमीटर का आविष्कार आपको अभी मैंने बताया इटली के वैज्ञानिक थे जो टोरी सेली, इन्होंने किया था। उन्होंने पानी की नली पर उपयोग करके इसका अपना पहला बैरोमीटर का प्रयोग किया था, जिसमें एक कांच की ट्यूब होती है जिसकी ऊंचाई 850 या फिर 850 मिलीमीटर कह सकते हैं है, जो पारे के से भरी होती है, और यह पारे से भरे कंटेनर पर रखी होती है। अगले यहाँ पे बैरोमीटर की बात की जाए, तो अगला बैरोमीटर है एंड्रॉयड बैरोमीटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले पेज पे दिखाया था। एंड्रॉयड बैरोमीटर, एंड्रॉयड मत समझिएगा, एंड्रॉयड है ये, ठीक है। इसका आविष्कार 1843 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी यहाँ पे भौतिक विज्ञानी थे लुसियन वीडी, इन्होंने किया था। इस बैरोमीटर में पारा का उपयोग नहीं किया जाता, यह अत्यधिक लोचदार दीवारों के साथ धातु के बक्से पर होने वाले विकृतियों के माध्यम से वायुमंडलीय दाब को मापता है। इस डिब्बे में के अंदर एक पूर्ण वैक्यूम होता है,
निर्वात होता है जिसको कहते हैं हिंदी में, परंतु यह बहुत अधिक कारगर नहीं था और इसके कई सारी इसमें त्रुटियां थी, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। किसका? एंड्रॉयड बैरोमीटर का। तीसरे प्रकार का बैरोमीटर है डिजिटल बैरोमीटर, जो आजकल चल रहा है। आधुनिक समय का बैरोमीटर कई नई कंप्यूटर तकनीकियों का लाभ उठाता है और वातावरण के दाब को सटीक मापता है। यहाँ पे अब जब एनालॉग था तब तो थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन जब डिजिटल आ गया तो डिजिटल में क्या होता है, हर चीज़ एकदम सटीक माप सकते हैं आप, पॉइंट की वैल्यू भी एकदम सटीक माप सकते हैं। तो आधुनिक समय का बैरोमीटर नई कंप्यूटर तकनीकों का लाभ उठाता है और वातावरण के दबाव को सटीक रूप से समझने के लिए विशेष प्रकार के सेंसर का उपयोग करता है। आज के डिजिटल बैरोमीटर जटिल वायुमंडलीय डेटा को पहले से ही कहीं अधिक सटीक और तेज़ी से मापने की और प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ पे मैंने फोटो के माध्यम से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे डिजिटल बैरोमीटर कैसा होता है। और थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं बैरोमीटर के बारे में, फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सटीक मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए वर्तमान समय में बैरोमीटर हवा और आर्द्रता जैसे अन्य वायुमंडलीय रीडिंग को भी संग्रहित रखते हैं, यानी कि वो हवा की भी रीडिंग रखते हैं, आर्द्रता यानी नमी की भी रीडिंग रखते हैं। यह डेटा बैरोमीटर पर संग्रहित किया जाता है और इसे आगे के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसी डेली बेसिस पे वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को साइंस की, एनसीईआरटी की, सोशल साइंस की, जीके की क्लासेस डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो वीडियो कैसे लगे आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।